गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास ट्वेल्थ का जो कि चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर कर रहे थे जी, उसकी जो रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने वीडियो अपलोड करी थी जी, जिसके अंदर आपने सीखा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने किस तरीके से बनाना है और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से बनाना है। तो अगर आपने अभी प्रीवियस टू वीडियोस नहीं देखी तो उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। उसके अलावा मैं लिंक भी डाल दूंगा आप डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो इस वीडियो के लिए एज ए बेस की तरह काम करेगी, क्योंकि वो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप उन वीडियो पर अगर नहीं जा रहे या नहीं देख रहे तो ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी आपको बेसिक नॉलेज नहीं है। तो बेसिकली आपको वहाँ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर बेसिक नॉलेज मिलेगी जी। तो शुरू करते हैं जी। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया बंदा गुडविल की अमाउंट को कैश में लेकर आ रहा है तो तब रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे पास अगली वीडियोज़ आएंगी तो उनके अंदर क्या होगा कि जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लाएगा, ठीक है, हिडन गुडविल आ सकता है टॉपिक, हिडन कैपिटल है जी, या एक लास्ट टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं जी वीडियो को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे अनुराग एंड भावना आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो टू पार्टनर हैं, 2:1 है, बैलेंस शीट गिवन है, लेबिलिटीज एंड असेट्स आपको गिवन है जी। तो ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एग्रीड टू एडमिट मोनिका न्यू पार्टनर इन टू पार्टनरशिप ऑन दी फ्लोइंग टर्म्स। मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर है इन दी प्रॉफिट एंड वाज टू बी टू ब्रिंग ₹15,000 एज कैपिटल एंड ₹6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाई 10%। तो हमें कुछ ये एडजस्टमेंट भी गिवन है जी। तो देखो शुरू करते हैं, इन अकाउंट के अंदर हमने सबसे पहले करना क्या है, ऐसे अगर क्वेश्चन बड़ा आ जाए तो उस क्वेश्चन को हमने किस तरीके से हैंडल करना है जी। इन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बकायदा लिखा भी आएगा कि आपने ये वाला अकाउंट बनाना है। जैसे देखें जी, इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिखा हुआ है प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। यहाँ पे न्यू फर्म का मतलब होता है कि अनुराग और भावना जो कि ओल्ड पार्टनर थे और जो उनकी बैलेंस शीट हमें गिवन है वो ओल्ड है। अब जो मोनिका आ रही है, मोनिका के आ जाने के बाद आपने बैलेंस शीट बनाकर दिखानी है जी। तो शुरू करते हैं जी। फर्स्ट नंबर है, जैसे हमारे पास एडजस्टमेंट से ही शुरू किया जाएगा। देखो आपने जो बनाने हैं मेनली, आपने तीनों अकाउंट बनाने हैं, रिवैल्यूएशन भी है, पार्टनर कैपिटल है एंड लास्ट में बैलेंस शीट है जी। तो इन तीनों में से आपने फर्स्ट नंबर रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा और जो हमारा बैलेंस शीट है ये दोनों एक साथ बनेंगी, क्लियर है। तो मैं आपको एक सजेशन यही दूंगा कि आपने ये तीनों अकाउंट एक साथ ही चलाने हैं, क्लियर है। अगर आप तीनों अकाउंट को एक साथ चला रहे हैं तो इस बात की गारंटीड है कि कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी घट जाती है कि कोई भी आइटम आपकी मिसिंग हो जाए, क्लियर है। तो शुरू करते हैं जी। देखें हमारे पास है वैल्यू, देखो फर्स्ट नंबर मोनिका आई 1/3 के लिए, ठीक है, मोनिका कैपिटल और गुडविल को लेकर आई, तो इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर तो कोई भी लेन देन नहीं है। तो फर्स्ट नंबर पर रिवैल्यूएशन को ही लेकर चल रहे हैं। दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। क्या रखें कि स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को 10% कम कर दीजिए। तो स्टॉक ये रहा जी, प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास ये रही गिवन। तो अगर मैं स्टॉक को कम करूंगा तो सिंपल पॉइंट है मेरी असेट्स है, और असेट्स को अगर आप कम करेंगे तो आपका क्या होगा, लॉस होगा जी। तो लॉस हो रहा है, इसलिए हमने क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में उसे रिकॉर्ड करना है टू स्टॉक के नाम से, और 10% आपने कम कर देना है। 20,000 का 10% होता है जी ₹2,000। और साथ ही साथ आपने बैलेंस शीट में भी जाना है कि स्टॉक की पुरानी वैल्यू जो हमारे पास थी वो 20,000 थी, उसमें से 2,000 हमने कम कर दिया तो हमारे पास 18 रह गए, क्लियर है जी। सेम प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का है, 10% इसका कम करना है, तो जो कि 31,500 होगा टू प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास। यहाँ पे देखो आपने फर्स्ट नंबर क्या करना है जी, ₹3,500 आपने कम कर दिए, और यहाँ पे आपने देखो दिखा दिया जो कि आपका एक्चुअल में लॉस है, क्लियर है। और आपने बैलेंस शीट के अंदर जाना है प्लांट एंड मशीनरी जो कि 35,000 की है, उसमें से आपने ₹3,500 माइनस करके 31,500 आपने शो कर देने हैं जी, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए जी अगला है,
कि देट ए प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो डाउटफुल डेब्ट का आपने प्रोविजन क्रिएट करना है, तो डेटर मेरे पास चेक कीजिए जो कि 9700 के हैं, तो आपने 9700 का आपने प्रोविजन बनाना है जी। तो 9700 का 5% जो होगा वो हमारे पास है जी 4485 रुपीज़। क्लियर है? आपने अब करना क्या जी, बैलेंस शीट में जाना है और डेटर जो मेरे की 9700 के हैं उसमें से 485 रुपीज़ आपने माइनस कर देना है। ठीक है जी, तो 9215 रुपीज़ हमारा ये डिफरेंस आ जाएगा जी। क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, तो फर्स्ट नंबर आपने एडजस्टमेंट ही हैंडल करनी है। दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज टू बी एप्रिशिएटेड, तो बिल्डिंग अकाउंट हमारे पास कितना है गिवन 50, तो बिल्डिंग का 20% आपका क्या होगा जी, इंक्रीज हो रही है, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 50,000 का 20% होता है हमारे पास 10,000 रुपीज़। क्लियर है जी, तो बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, आपका फ़ायदा है जी। और आपने बैलेंस शीट के अंदर जाना है असेट साइड में, बिल्डिंग की पुराने वाली वैल्यू के अंदर आपने जितने की इंक्रीज हुई उसको जोड़कर लिख देना है 60,000 रुपीज़। क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास देखें जी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज़ 1400 नोट मेंशन इन दी बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1400 रुपये है जो कि बैलेंस शीट के अंदर मेंशन नहीं है, तो मेंशन नहीं है तो आपने मेंशन कर देनी है, मतलब ये एक तरीके से आपकी अनरिकॉर्डेड असेट है। तो भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे 1400, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और बैलेंस शीट की सेट साइड में जाएंगे, इन्वेस्टमेंट आपने यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर देनी है 1400 रुपीज़ की जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो एडजस्टमेंट है, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रोन। देखो गुडविल की अमाउंट विड्रोन कर ली, तो विड्रोन करने वाला पॉइंट आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पे तो नहीं आएगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हमेशा हम रिकॉर्ड जो करते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की वैल्यू जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो कभी भी ये नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया या नए पार्टनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉल कर ली, तो उन अमाउंट को कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने रिकॉर्ड नहीं करना जी। तो अब हम करते हैं इनका सबका टोटल जी। यहाँ से हमारे पास टोटल आ जाएगा 11,400 और यहाँ पे हम टोटल कर लेंगे जी, ये बन जाएगा 5,985। तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा उसे हमने लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि ओल्ड पार्टनर है अनुराग और भावना। ठीक है जी, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो आपने यहाँ रिकॉर्ड कीजिए और उनको उनकी ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली आपने बांट देना है जी। तो 11,400 में से इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा 5,415 रुपीज़। अब हमने इस चीज़ को, मतलब ये जो प्रॉफिट आया हमारा, इसको हमने पार्टनर की रेशियो के अकॉर्डिंगली बांटना है 5,415 रुपीज़ को आपने इंटू करना है 2/3 एंड 5,415 इंटू में 1/3। तो ये सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3610, ये आ जाएगा हमारा 1805। क्लियर है जी, तो इस तरीके से ये हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमारा तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जी पार्टनर कैपिटल अकाउंट की, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के लिए मैंने आपको एक कोड सिखा रखा है जो बिल्कुल ही इजी है। उस कोड की हेल्प से आपका कैपिटल अकाउंट बिल्कुल इजीली और क्विकली आपका तैयार हो जाएगा जी, और कोई भी आइटम आपकी कभी भी मिसिंग नहीं होगी। अगर आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट को अभी नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, आप जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं जी। तो कोड है हमारे पास ORCG73ALW। क्लियर है जी, तो देखो ओ से होता है ओपनिंग कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, कि आपने पुराने बंदों की ओपनिंग कैपिटल उठानी है। तो लो सिर्फ हमारे पास बैलेंस शीट ये रही, और पुराने बंदों की जो कैपिटल है 30 और 20, तो फर्स्ट नंबर हमने लिखना है बाय बैलेंस बीडी। तो अनुराग की कैपिटल 30, भावना की 20। ओ हो गया, ओ के बाद आर की बारी है। आर का मतलब होता है रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस, ये हमारा प्रॉफिट आया है तो इसको हमने क्रेडिट साइड में ले जाना है। तो हमने यहाँ लिखना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये आ जाएगा 3610 और ये आ जाएगा 1805। लो जी, आर हो गया, आर के बाद सी, और सी का मतलब होता था न्यू पार्टनर की कैपिटल, और न्यू पार्टनर की कैपिटल देखो गिवन है, मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड वाज टू बी ब्रिंग ₹15,000 एस कैपिटल, वो 15,000 कैपिटल के लेकर आएगी। तो अब हमने यहाँ यहाँ लिखना है या तो बाय कैश या लिखना है बाय बैंक, लेकिन ये जो डिपेंड करता है पुरानी बैलेंस शीट के अंदर
अगर कैश वर्ड यूज़ है तो आपने बाई कैश कर लेना है जी, तो वो 15,000 रुपये कैपिटल के लाइए मोनिका, तो मोनिका के अकाउंट में कर देंगे। तो जी सी हो गया। जी मतलब होता है गुडविल। गुडविल भी टू टाइप से होती है, एक ओल्ड गुडविल होती है, एक न्यू गुडविल होती है। ओल्ड गुडविल पुरानी बैलेंस शीट की असेट साइड में आपने चेक करना है जो कि गिवन नहीं है, नहीं है तो हमने ट्रीटमेंट भी नहीं करना। लेकिन नए पार्टनर की जो गुडविल गिवन है 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल, कि नया पार्टनर 6,000 रुपये गुडविल की भी लेकर आया है। देखो जब भी नया पार्टनर गुडविल की जो भी अमाउंट लेकर आएगा उसे हमेशा हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटना होता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए मैंने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट भी बता रखे हैं, कई सारे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए मोनिका जो आई है 1/3 शेयर के लिए आई है, और जब क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी ना मेंशन हो कि नए पार्टनर ने अपना शेयर किस पर्सन से एक्वायर करा, तो उस कंडीशन के अंदर हम केस नंबर फर्स्ट मानते हैं, और केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली जो ओल्ड रेशियो है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। और इस क्वेश्चंस के अंदर जो ओल्ड रेशियो गिवन है अनुराग और भावना की, वो है 2:1, तो मतलब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी अब आपकी 2:1 ही हो जाएगी, क्लियर है। और नया पार्टनर देखो गुडविल की अमाउंट को कैश में लाया है, तो हमने यहाँ पे लिखना होता था बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो 6,000 रुपीज को आपने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 6,000 को आपने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब डिवाइड बाय 3 करना होगा, तो 6 को डिवाइड कीजिए 3 से तो 2,000 आएगा, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और 2 × 1 मतलब 2,000 हो जाएगा। अब हमने अनुराग और भावना में ही क्यों लिखे, क्योंकि इन दोनों ने ही सेक्रीफाइस किया है, ऐसा केस नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली माना जाता है, क्लियर है जी। तो ये जी हो गया। जी के बाद आता है 7, और 7 आइटम्स का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो कि लायबिलिटी साइड में गिवन होते हैं लेकिन इस क्वेश्चंस में नहीं है तो हम ट्रीटमेंट भी नहीं करेंगे। और 3 आइटम्स होती हैं आपकी एसेट साइड, और वो भी गिवन नहीं है तो उसे भी इग्नोर कर दीजिए। देन नेक्स्ट है मेरे पास कोड है जी ए। ए का मतलब होता है असेट्स टेकन बाय पार्टनर, और जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी बट इस क्वेश्चंस के अंदर गिवन नहीं है तो इसे भी आपने इग्नोर करना है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास एल। एल मतलब होता है लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, और इस क्वेश्चंस के अंदर वो भी गिवन नहीं तो इसे भी आपने कर देना है इग्नोर। एंड लास्ट है डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब होता है विड्रॉल बाय पार्टनर, कि किसी भी पार्टनर ने कोई भी अमाउंट अगर गुडविल की विड्रॉल करी हो तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको एडजस्टमेंट में मिलती है। क्वेश्चन चेक करते हैं, देखें दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, कि ओल्ड पार्टनर ने गुडविल की अमाउंट को भी विड्रॉल किया है, तो जितने रुपए उनको गुडविल के मिले थे जी उतने रुपए ही उन्होंने विड्रॉल कर लिए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे जी टू बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास कैश वर्ड यूज था तो हमने टू कैश अकाउंट ही लिखना है। 4,000 यहाँ लिखा जाएगा अनुराग में, और भावना में 2,000 लिखे जाएंगे, क्लियर है जी। तो इस तरीके से हमारा कोड ख़त्म हुआ। जैसे ही कोड ख़त्म होगा उसी तरीके से आपके सारे स्टेप यूज़ हो चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। अब आप बेचिंत रहें क्योंकि आपका कैपिटल अकाउंट बिल्कुल एकदम करेक्ट है, क्योंकि कोई भी आइटम आपकी मिसिंग नहीं हुई क्योंकि आपने कोड को फॉलो किया है जी। आगे चलते हैं टू बैलेंस सीडी। हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, इधर 15 है, इधर हमारा कुछ भी नहीं तो यहाँ पे भी 15 ही आ जाएगा। टोटल करते हैं 21,805। ये 2 से 2 तो हमारा कैंसिल हो चुका है, क्योंकि अगर इधर भी हम टोटल करें 23,805, इधर 2 माइनस कर दो तो हमारे पास 21,805 आ जाएगा। अगर इधर का टोटल करें तो 37,610 होगा, लेकिन उसमें से 4,000 आपने कट करने हैं तो ये बन जाएगा 33,610। लो जी लास्ट में आप इनका करें टोटल। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि ये जो बैलेंस सीडी हमारी आई अनुराग भावना मोनिका की, इसको हमने लिखना है यहाँ पे अनुराग भावना मोनिका 33,610 और 21,805 और 15,000, क्लियर है जी। इन तीनों का टोटल करके आपने अमाउंट की कॉलम में रख देना है जी। अब लास्ट काम है और सबसे बिल्कुल इजी काम है, क्या जी, आपने कंपैरिजन करना है पुरानी बैलेंस शीट का नए वाली बैलेंस शीट के साथ, कि अगर पुराने वाली बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम है जो नई बैलेंस शीट के अंदर अभी तक नहीं लिखी गई वो लिखनी है। अगर नहीं लिख रहे तो उसका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, जैसे कि क्रेडिटर 65,900 के हैं बट मैंने नई बैलेंस शीट में अभी तक नहीं लिखे तो मैं इसे लिख दूंगा जी क्रेडिटर्स। अगर मान लो मैं नहीं लिख रहा तो उसका एडजस्टमेंट में कोई ना कोई रीज़न होगा, बता रखा होगा क्रेडिटर वर पेड ऑफ, ऐसा कुछ बता रखा होगा, क्लियर है जी। नेक्स्ट चलते हैं कैश।
कैश को मैंने अभी तक मैचिंग कर लें, कंपैरिजन करें, कैश को मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं करा तो मैं कैश को भी रिकॉर्ड करूंगा जी, क्लियर है, अभी इसे होल्ड रखें। डेटर्स मेरे रिकॉर्ड हो चुके हैं, चेक कीजिए, डेटर हमारा रिकॉर्ड है। स्टॉक हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, चेक करें जी, स्टॉक भी रिकॉर्ड में है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, बिल्डिंग हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। अगर सिंपल कहूँ कि जो आइटम पुरानी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है वो नई बैलेंस शीट के अंदर आ जानी चाहिए, अगर नहीं लिख रहे हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न आपके पास होना चाहिए। हाँ, एक्स्ट्रा आ सकता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा आई क्योंकि ये अनरिकॉर्डेड थी तो रिकॉर्ड आपने कर ली। अब लास्ट हमारा है कैश का कॉलम, इसके लिए हमने क्या करना है, तो लो जी कैश का पुराने वाला बैलेंस उठाएं, 1200 है, लो जी 1200, इसके अंदर हमने ऐड करना होता है जो नया पार्टनर कैपिटल की अमाउंट लेकर आया, और इसी के अंदर हमने ऐड करना होता है जो नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेकर आया, और इसमें से हमने माइनस भी कर देना है जो नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को विड्रॉल करके लेकर चला गया, क्लियर है जी। तो ये तो हमारा कैंसिल हो चुका है, इसको हमने ऐड करना है 16,200 रुपीज़, क्लियर है जी। तो इस तरीके से हमारे पास बैलेंस शीट का टोटल मैचिंग खा जाएगा। अगर हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैचिंग है तो आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट होगा जी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत होगा, आप जरूर चेक करें। लेकिन अगर मैं सिंपली कहूँ आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एकदम से करेक्ट बना रखा है और रिवैल्यूएशन आपका बिल्कुल सही है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट जाएगा, क्लियर है जी। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ईजी है अगर आप इस कोड को फॉलो कर रहे हो, और इस कोड की हेल्प से आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, कोई भी आइटम आपकी मिसिंग नहीं होगी। आई होप कि आपको ये एक फुल फ्लैश क्वेश्चन समझ आया होगा, और इसी तरीके से एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अभी तक के लिए आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें जी, थैंक यू।